बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये आपने इशा की नमाज के फौरन बाद करना है, और इस अमल के करने का क्या तरीका है ये सब मैं आपको बता देती हूँ। इस अमल के करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दौलत आपके दरवाजे पर खुद दस्तक देगी। और करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सूरह कुरैश 110 मरतबा पढ़ें, यानी 110 टाइम्स, और अव्वल और आखिर एक एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और अपने घर की खाने पीने की चीज़ों पर दम कर दिया करें, और अल्लाह से फराखी रिज़्क़ की दुआ मांगें। ये अमल इशा की नमाज के बाद मुकर्ररा वक्त पर बिला नागा 41 दिन यानी 41 डेज तक करना है, यानी इशा की नमाज के बाद कोई एक वक्त मखसूस कर लें और रोज़ाना 41 दिन यानी 41 डेज तक उसी वक्त ये अमल करें। 41 दिन के बाद सूरह कुरैश आपने रोज़ाना 72 मरतबा यानी 72 टाइम्स पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएंगे और अल्लाह पाक आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे, और रिस्क इंशाअल्लाह ताला दरवाज़े तोड़कर आपके घर में दाखिल होगा। आप इशा की नमाज के अगर फौरन बाद नहीं कर सकते तो आप सुबह की फजर की नमाज से पहले तक, जब तक इशा से लेके फजर की नमाज से पहले तक जो वक्त है, पूरी रात में आप किसी वक्त भी ये अमल कर लें। सुबहानअल्लाह।